चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों से आगे आने की अपील की। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर रहे हैं, अपना विरोध भी दर्ज कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस लगाई गई। बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में मंगलवार को मेयर का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के तीनों पदों पर कब्जा बरकरार रखा। इस चुनाव में कांग्रेस आप गठबंधन को झटका लगा। गठबंधन ने पीठासीन अधिकारी पर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसी के विरोध में आपने दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट बुलाया हुआ है और दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ चुनाव में जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि मेयर चुनाव में बीजेपी वोटों की चोरी कर रही है। बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। चंडीगढ़ का मेयर तो बहुत छोटा था, लोकसभा चुनाव में किस हद तक जा सकते हैं। पाप के बाद कुदरत झाड़ू चलाता है। कैमरे में गड़बड़ी पकड़ी गई है। हम देश के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। प्रदर्शन के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से जनता आ रही थी। दिल्ली को छावनी बना दिया गया, लोगों को रोक दिया गया। जनता की आवाज को जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी बुलंद होगी। हमारे काउंसलर और नेताओं को जेल में डाल दिया गया है, ये गलत बात है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मशीन के अंदर आप बटन किसी का दबाते हो, वोट किसी को जाता है, किसी का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। हम शांतिपूर्वक तरीके से बीजेपी मुख्यालय की तरफ चलेंगे, वहां पुलिस रोकेगी तो रुक जाएंगे। हमें कोई झगड़ा या विवाद नहीं करना। दरअसल केजरीवाल का कहना था कि 36 काउंसलर में 20 इंडिया गठबंधन के थे, 16 बीजेपी के थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुनाव अधिकारी बना दिया गया। उन्होंने पहले वोटिंग कराई, उसके बाद चुनाव एजेंट को बाहर भगा दिया और खुद ही काउंटिंग की और इंडिया ब्लॉक के 8 फुट रद्द कर दिए। इस वोटों में गलत लिख दिया और अनवैलिड बता दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हमारे नेताओं, पार्षदों, विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया, आप दफ्तर को छावनी बना दिया गया। अब तक हजारों आप कार्यकर्ताओं को रोका जा चुका है। अरविंद केजरीवाल भगनवान ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। आप नेताओं की कथित नजरबंदी पर दिल्ली पुलिस को घेरा गया है। आपका कहना है कि पहले वोट की चोरी करते हैं, फिर प्रदर्शन करने से भी रोकते हैं। पुलिस बताए कि क्यों हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में जुटे आप नेताओं ने कहीं ना कहीं आवाज उठाई है। दरअसल खबरों की माने तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को आरोप लगाया और प्रदर्शन की बात कही थी। काउंसलर्स को रोका जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक आपके प्रदर्शन के साथ साथ केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए मध्य दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की ओर जाने वाले कई सड़कों पर बैरिकेटिंग कर दी। अतिरिक्त कर्मियों को तैनात किया गया। बीजेपी आप मुख्यालय के पास आप विरोध प्रदर्शन कर रही है। दोनों पार्टियों के कार्यालय एक ही सड़क पर है, एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे शुरू होने वाले प्रदर्शन से पहले एक पोस्ट किया गया, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पहले वोट चोरी हुई, अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने पर लोग आ रहे हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। तो इस तरह की तस्वीर लगातार सामने आ रही है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग्स है। सुबह से ही दिल्ली में कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ जो झड़प है वो देखने के लिए मिल रही है। हालांकि कुछ मेजर नहीं हुआ है लेकिन छुटपुट कुछ ऐसी नोकझोंक की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी लगातार आमने सामने रही है, ये संघर्ष कब तक यूं ही जारी रहेगा।